अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण में 54 दिन पहले लाए गए बाघ ST-16 की मौत अभी भी संदेह के घेरे में है। वहीं NTCA टीम के निरीक्षण के बाद बाघ का पोस्टमार्टम होगा और इस मामले में राज्य सरकार की ओर से भी उच्च स्तरीय जांच करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि सरिस्का में बाघ ST-16 की मौत के बाद अब कुल 11 बाघ बाघिन और 5 शावक बचे हैं। इनमें से 3 बाघ हैं और 8 बाघिन हैं। कुल 8 शावक थे लेकिन 3 शावक पिछले कुछ समय से लापता हैं। आपको बता दें कि वन विभाग के अधिकारी बाघ की मौत हाइड्रोजन से नहीं मानकर गर्मी से नेचुरल मौत मान रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारण सामने आ पाएंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता चंद्रशेखर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी चंद्रशेखर, ये बताएं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की क्या जानकारी मिल रही है, कब तक सामने आ पाएगी? जी बताना चाहूंगा लवीना कि बरेली से टीम आएगी NTCA की, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी और करीब 3 बजे के करीब पोस्टमार्टम होगा। लवीना जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।